नमस्कार दोस्तों, मिशन 100 करोड़ के पेज पे आपका स्वागत है। और इस हफ्ते हम लोग प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं किसी के जन्मदिन पे या किसी के सालगिरह पे। आज हमारा पेड़ लगाने का प्रोग्राम था इंदिरापुरम में, लेकिन आज हम यहाँ पीपल बाबा के, जहाँ काफ़ी पेड़ लगे हैं, इनको बचाने के लिए मल्चिंग हो रही है। मल्चिंग मतलब पेड़ों को इस पे पत्ते या गन्ने का जो बचा हुआ रस निकलने के बाद, इससे क्या होगा कि इसमें पानी ज़्यादा दिन तक उपलब्ध रहेगी और पेड़ बचा रहेगा। तो काफ़ी पेड़ देखिए पीपल बाबा द्वारा इसको फॉरेस्ट के रूप में, धन्यवाद रजवीर राव जी आज संडे को, लेकिन आज प्लांटेशन बर्थडे था तो कहीं और हो रहा है इंदिरापुरम में, लेकिन आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। जो यहाँ के लोग आसपास रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था हो रही है पीपल बाबा द्वारा। उदय उपवन फॉरेस्ट है तो ये काफ़ी वॉलंटियर लोग आके पेड़ों की सेवा कर रहे हैं। और संडे का कुछ लोग जाके मूवी देख के और पॉपकॉर्न खा के 1000 रुपये खर्च करते हैं, लेकिन हम पेड़ों में पानी दे के और पेड़ों की मल्चिंग करके एक ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। और आप भी लोग, जैसे हम लोग का हर सप्ताह पेड़ लगाने का कार्यक्रम चलता है अपने जन्मदिन पे या शादी के सालगिरह पे, आप भी, आप जिस महीने आपका बर्थडे होता है उस महीने अपने आसपास पेड़ लगाएं, ताकि जो गर्मी का पोल्यूशन लेवल जाड़े में बढ़ जाता है वो कम हो जाए। तो हमारा ये भी है कि दिल्ली और इसके आसपास जितने लोग एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, सब मिलके, साथ मिलके और काम किया जाए एक जगह, कि जल्दी से जल्दी दिल्ली अपनी हरी भरी और प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। अच्छा है यहाँ जंगल बन रहा है, लेकिन हमारा कहना है कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ आसपास अब खड़ा करोगे तो और ये देख रहे हैं कि आप छोटे छोटे पेड़ हैं और बहुत बड़ा एरिया है तो अकेला आदमी पानी नहीं दे सकता, इसलिए संडे को लोग, आप लोग छुट्टी पे रहते हो, आइए। और यहाँ पे सब लोग, एक छोटा सा जो फॉरेस्ट बन रहा है नोएडा के आसपास, दिल्ली के आसपास, आपको जंगल नहीं अरावली जाना पड़ेगा जो कि गुड़गांव पे है, और वहाँ पे दूर उतना आप जा नहीं सकते। तो नोएडा में जो बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हैं, एक अपार्टमेंट में कम से कम 2000-4000 फ्लैट बने हैं और पेड़ों की संख्या 10-20 है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से उसकी आवश्यकता पूर्ण होगी, इसलिए उसके आसपास ये जंगल है। और बहुत अच्छा मौसम, आंधी आई थी कल परसों, उसके कारण आज थोड़ा सुबह ठंडक है। और सारे लोग देखिए मेहनत कर रहे हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और अगर हर जगह से सब लोग आके आप यहाँ पे पेड़ों को मल्चिंग करते हो, पानी डालते हो, तो बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा। और देख सकते हैं पूरा एक घना जंगल बनाया जा रहा है। ये देखिए कुछ पौधे सूख रहे हैं, इन्हीं को बचाने के लिए ये दिल्ली के अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे कहाँ कहाँ से आए हैं। और आप भी अपने बच्चों को लेके आइए, पेड़ों के साथ, प्रकृति के साथ बिताइए। थोड़ा जो डिप्रेस हो जाते हैं आजकल बच्चे, थोड़ी खुशी मिलती है पेड़ों के साथ, प्रकृति के साथ काम करने से। और हम एक बच्ची से बात करते हैं, मेहनत कर रही। बेटा आप कहाँ से आए हो? सुपरटेक स्टेट वैशाली। अच्छा जी, देखिए वैशाली गाजियाबाद से नोएडा में आए हैं इनके पेरेंट्स लेके इनके, और ये बच्चे, बच्चों को ये हमें आने वाली पीढ़ी है, इनको सिखाना है, समझाना है कि कैसे प्रकृति के साथ प्रेम करें। और ये बच्ची देखिए मेहनत कर रही है, ये पेड़ जो ग्लू चलने वाली है वो आधी आ गई थी, थोड़ा फैनी तो
ठंडक हो गया। आपको प्लांट पसंद है? हाँ जी। अच्छा, आपका बर्थडे कब पड़ता है? 9 जुलाई। तो आप प्लांटेशन करना अपने बर्थडे पे, ठीक है? जन्मदिन पे कम से कम आप जितने साल की हो पेड़ लगाओ और उसको केयर करना। तो आसपास जो आपके डिवाइडर होंगे वहाँ पे जहाँ पेड़ नहीं होंगे, और उसको आप पेड़ लगाना, और अपने दोस्तों को भी जो जिनका बर्थडे होता है उनको एक पेड़ गिफ्ट में देना, क्योंकि ऐसा गिफ्ट है कि कभी ख़त्म नहीं होगा और समय के साथ बढ़ता जाएगा और आप लोगों को ऑक्सीजन देगा। अभी देखिए छोटे छोटे बरगद हैं, बड़े हो जाएंगे, बहुत खूबसूरत पेड़ है और ये पास पास लगाए गए हैं ताकि एक जंगल बने और ये आपस में मिलके ही रहते हैं, पेड़ एक दूसरे के साथ। लाइस में भर दीजिए राजू जी। नीम देखिए कितना बढ़िया हो गया। और ये हम नीम दिखा रहे हैं जो कि ये ऑक्सीजन बहुत अच्छा देता है। देखिए कितना अच्छा, लोगों की मेहनत से और ये पीपल बाबा का उपवन के नाम से नोएडा के पास सुरखा विलेज है। और देखिए आप भी इस छोटा छोटा फॉरेस्ट अपने एरिया के आसपास बनाइए, कहीं खाली ज़मीन मिलती है तो। वैसे आजकल तो पेड़ लगाने के लिए ज़मीन भी मिलना मुश्किल है क्योंकि सब कुछ सीमेंटेड हो गया है। और ये देखिए जब इस साल के बाद अगर आप लोग आएंगे यहाँ पे, कितना घना जंगल, कितने सुंदर जगह हो गया है। और ये देखिए पापड़ी खिल भी गया है फूल, इस पे मधुमक्खियों का बहुत ही, इसको करंज भी कहते हैं, देख सकते हैं। तो ये डूब क्षेत्र है, हिंडन का और इस, अब नेक्स्ट संडे सैटरडे हम किसी के जन्मदिन पे पेड़ लगाएंगे। इस बार पेड़ों की सेवा हो रही है क्योंकि जो पेड़ लगे हुए उनको बचाना भी जरूरी है, और 2 महीने इनको लिए बहुत ही कठिन होता है क्योंकि गर्म लू चलती है तो नमी धरती का ये ले लेती हैं, तो इन पेड़ों को बचाना बहुत बड़ी है। तो आप भी अगर नोएडा के आसपास दिल्ली में कहीं भी रहते हो आप यहाँ आओ संडे को, और ये पीपल बाबा का गिव मी ट्री ट्रस्ट है, यहाँ पे आकर आप लोग, नंबर होगा, आप लोग आके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 2 महीने काम कीजिए ताकि आपकी मेहनत से एक बहुत अच्छा ये जंगल बन जाए, और जब इसमें फल फूल लगे तो आप अपने बच्चों के साथ आके इसमें यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हम लोग अभी कोशिश होगा कि इसको 1 महीने में 1-2 बार आकर यहाँ पर मल्चिंग हुआ, पानी हुआ, क्योंकि 2 महीने ज़्यादा इनको केयर करनी ज़रूरत होती है। और कुछ जो पीपल बरगद होते हैं इनको सनलाइट बहुत पसंद है, इसमें ग्रो भी ज़्यादा करते हैं धूप में। अगर पानी इनको मिलता रहे, पानी धूप मेन भोजन होता है पौधों का, और हमारे लिए वही धूप और कार्बन डाइऑक्साइड दुश्मन होता है, तो ये धूप खाकर हमें शुद्ध ऑक्सीजन शुद्ध हवा देते हैं। और धूप इनको पसंद है, धूप लेकर हमें शुद्ध। और ये पीपल देखिए बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा पेड़ होगा ये, 24 घंटा कहते हैं ऑक्सीजन देता है। तो पीपल जितना ज़्यादा हो आसपास लगाइए, बहुत हार्ड पेड़ होता है ये, बहुत स्ट्रांग होता है।
पीपल हुआ, बरगद हुआ, गुलर हुआ, पिलखन हुआ, ये लगाइए और दिल्ली को हरा भरा बनाइए। और पीपल बाबा 77 से काम कर रहे हैं, बहुत लंबे लॉन्ग टाइम से पेड़ लगा रहे हैं, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। और कहते हैं वो 1 करोड़ से, अभी गिव मी ट्रस्ट के एक वॉलंटियर हैं, इनसे बात करते हैं ये कब से बन रहा है। सर क्या नाम है आपका? नाम मोहम्मद शाहिद है, ट्रीज में हूँ लगभग 5.5 सालों से। देखिए 5.5 सालों से आप ही बाहर गए थे क्या? जी मैं हाँ, ये अमेरिका जाके, अमेरिका गवर्नमेंट ने इनको बनाया था और ट्रेनिंग फॉरेस्ट का देकर वहाँ से सीख के आ रहे हैं, तो हम भी आएंगे इनसे सीखेंगे, इन लोगों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। और शायद ये 2 साल हुआ ना इसका, 2018 के अक्टूबर से इसके 15 महीने। हाँ 2 साल पूरे हुए। और ये तो इसको आप लोग पानी वॉलंटियर द्वारा दिया जाता है? नहीं, पानी तो कोर टीम ही देती है, वॉलंटियर्स के पास जब टाइम होता है वीकेंड्स में या फिर वैसे ओकेशंस में तो वॉलंटियर्स आते हैं बहुत सारे, वो काफ़ी हेल्प करते हैं, जैसे प्लांटेशन में हेल्प हो गया, वाटरिंग है, मैन्यूरिंग है, वीडिंग है, फेंसिंग है, इनकी प्रोटेक्शन है, मल्चिंग है, इन सब प्रोसेस में वॉलंटियर्स काफ़ी हेल्प करते हैं टाइम टू टाइम। बहुत सारे वॉलंटियर्स दूर दूर से भी आते हैं, दिल्ली से, नोएडा से, दिल्ली से बाहर से बहुत सारे वॉलंटियर्स आते हैं। और आज जो हमारा चल रहा है ये स्पेशली गर्मी का टाइम चल रहा है, तो पेड़ों का लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है पेड़ों को बचा के रखना, तो उसके लिए कुछ ज़रूरी स्टेप्स हैं जो हमें करने पड़ते हैं। जैसे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी डालने का काम तो मैक्सिमम है ही, जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन पानी का ये है कि पानी आप डालते हैं पौधों में तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मॉइस्चर है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, सॉइल बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, इससे पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस कर रहे हैं, इसका नाम है मल्चिंग। मल्चिंग में ये होता है कि आपका जो सॉइल है उसको आप ऑर्गेनिक मैटर से कवर करके रखते हैं, उसको सनलाइट से बचाना होता है। ये खुली ज़मीन जो है जिसके ऊपर घास नहीं है या बायोमास नहीं है, वो हम उसको इस तरह से कहते हैं कि आपके शरीर में एक तरह का वो घाव है। जब तक आप घाव के ऊपर दवाई नहीं लगाएंगे, जब तक उसके ऊपर बैंडेज नहीं लगाएंगे, पट्टी नहीं करेंगे, तो आपका घाव जल्दी नहीं भरेगा। बस सेम इसी तरह तो सॉइल को कवर करके रखना होता है, क्योंकि उसका मॉइस्चर बचाना होता है, गर्मी से बचाना होता है, साथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके लिए मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है, जो पौधों को ज़िंदा रखने में मदद करता है। इसलिए ये प्रोसेस आज हम कर रहे हैं मल्चिंग। ये हमारे पास जो है ये शुगर के इनके सारे निकले हुए छिलके हैं जिससे रस निकल चुका है, जो शुगर और जगरी बनाने में काम आता है, तो उसके बाद का जो ये वेस्ट है इसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसी से मल्च कर रहे हैं। तो आप भी पता है ये आपका सुरखा गांव के पास है, और ये कौन सा चौक है, क्या नाम है उसका? परथला चौक से 4-3 किलोमीटर अंदर है। आप लोग भी अपने घर के आसपास या आपके घर पे कूड़ा होता है या बीज है, यहाँ पे लेकर आके आप संडे सैटरडे को यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और पौधों को ये मैसेज आपको देंगे कि कैसे क्या करना, आप लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो सर एक बार आप इनको, एक बार जो हमारे देख रहे हैं लोग उनको एक बार बता दीजिए कि कैसे कैसे आके यहाँ पे अपना कुछ सहभागिता दे सकते हैं। हाँ हाँ ज़रूर, घर में जैसे कि आपके घर में किचन है या फिर आप फल और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर, तो उस किचन का जितना भी वेस्ट है, फल और सब्जियों के छिलके हैं, लेफ्ट ओवर है, इसको कभी भी आप वेस्ट ना समझें, इसको आप नेचर में वापस दे सकते हैं, और नेचर और एनवायरनमेंट को इसी से आप अपने वेस्ट मटेरियल से ठीक कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपका तरीका पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से इसको यूज़ करना है। जो भी आपके किचन से निकला हुआ वेस्ट है या फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, उसको डस्टबिन में ना डालें, उसको आप एक जगह इकट्ठे करके रखें, और उसे आप सीधा सोरखा उदय उपवन लेके आ सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उदय उपवन 2 के नाम से ये जाना जाता है, तो आप गूगल से ईजिली यहाँ तक आ जाएंगे। ये सोरखा नोएडा सेक्टर 115 में है, यहाँ से परथला चौक करीब 4 किलोमीटर है और 8 किलोमीटर पर नोएडा सिटी सेंटर है, तो यहाँ पर पहुँचना बहुत ही आसान है। तो जो भी आपके पास किचन वेस्ट हो, ऑर्गेनिक मैटर हो, आप उसको लेके यहाँ आ सकते हैं। हमारे पास कंपोस्ट पिट्स हैं, कंपोस्ट बिन्स हैं, आप उसमें इसको डाल सकते हैं। कुछ टाइम के बाद ये खाद बनेगा, और जो भी खाद बनेगा वो बिल्कुल ऑर्गेनिक मैन्यूर होगा, तो उसको आप पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आपके घर में पौधे हैं, आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर अमेरिका का भी कुछ आपने क्या ट्रेनिंग लिया, क्या बताया, कुछ बताएंगे वहाँ का अनुभव कैसे, कुछ यहाँ से हमारे अलग है क्या, उनकी सोच है, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं वहाँ पे?
बिल्कुल, अमेरिका का जो मेरा ट्रिप था वो 18 दिनों का था। ये यूनाइटेड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के तरफ से था, फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रेस्टोरेशन के ऊपर ये ट्रेनिंग था। तो 18 दिन में मेरे 15 टॉपिक्स थे, जो उन्होंने 15 टॉपिक्स बताए। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा यहाँ पे था वो नर्सरी वाला टॉपिक था, जो हम ऑलरेडी यहाँ 40 सालों से कर रहे हैं। पर अमेरिका और यहाँ का क्लाइमेट और सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं वहाँ से जो हम यहाँ अपने इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, मगर कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ से मैच नहीं करती है। फिर भी सीखने को बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ का सिचुएशन यूँ है कि एक बार जब वो पौधा लगाते हैं तो वहाँ पे मॉइस्चर और इन्वायरमेंट इतना अच्छा है कि आपको ज़्यादा केयर करनी वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। लेकिन इंडिया में सिचुएशन ठीक उल्टा है। जैसे ही आप नर्सरी से पौधे निकालते हैं और उसको ज़मीन पे लगाते हैं, तब आपका चैलेंज और स्ट्रगल तब शुरू होता है। तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं जो करने पड़ते हैं, जैसे कि सॉइल को ठीक करना, सॉइल में ह्यूमस बना के रखना, मॉइस्चर बना के रखना, ताकि आपको लेबर और मेंटेनेंस जो है आपको कम से कम करना पड़े। साथ में आपको बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपने प्लांट लगाया है तो उसकी मिनिमम कम से कम 2 साल तक उसकी देखभाल करें। वैसे हमारा नॉर्मल यही चलता है कि जहाँ भी हम प्लांट लगाते हैं तो 3 साल तक उसकी देखभाल करते हैं। तो 3 साल में आपको बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपने मैन्यूरिंग कितने की की, वाटरिंग कितने का किया, मैन पावर लेबर आपका कितना लगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो आप लगा के इन सब चीज़ों को कम कर सकते हैं। तो उसी के लिए आज हमने बहुत सारे वॉलेंटियर्स को बुलाया है आज, तो वो हेल्प कर रहे हैं मल्चिंग और वाटरिंग में। तो आप भी लोग आइए, और ये आप लोग संडे सैटरडे जाते हो मूवी देखते हो, देखिए अपना एंजॉय कीजिए, लेकिन कम से कम महीने में 2 संडे तो यहाँ पर भी आके और आइए, आपको अच्छा लगेगा। कुछ पेड़ों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और बहुत अच्छा इन्होंने नॉलेज दिया। अब हम लोग आके सीखेंगे भी इस जगह, और बीच बीच में और भी जो हमारे दोस्त होंगे उनको बुलाया जाएगा और यहाँ पर देखा जाएगा। हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे यहाँ चलना है, लेकिन आज मौका मिला हमें। ठीक है सर, थैंक यू। ये हमारे सोशल मीडिया पे फ्रेंड हैं, लेकिन हम ऐसे फेस टू फेस लोगों को नहीं पहचानते, लेकिन एक दूसरे को फॉलो करते हैं, देखते रहते हैं कैसे लोग काम कर रहे हैं। और ये काफ़ी लोग यहाँ पे आकर, ये हमारे विनीत सर हैं, यही बुलाए थे तो हम लोग आए थे। और आप लोग भी संडे को छुट्टी से थोड़ा टाइम निकालिए और आइए यहाँ पे, एक दिन मूवी मत देखिए, पॉपकॉर्न मत खाइए, एक दिन यहाँ आकर बिताइए। शाम को देख लो। नहीं नहीं, हाँ, सब कुछ किसी पर रोक नहीं है, लेकिन इस जगह पे जहाँ पर खड़े हैं, इस जगह पे हजारों पेड़ लगे हुए हैं, उसका हमें बचाना बहुत जरूरी है। बचाने के लिए आज थोड़ा हमने वॉलंटियर्स को कॉल किया कि प्लीज, गर्मी का टाइम ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, हमें इन पेड़ों को बचाने के लिए आपकी जरूरत है। तो आप किस तरह से यहाँ पर आएंगे, तो हमने यहाँ पर कुछ गन्ने का जो वेस्ट है, जूस निकलने के बाद जो वेस्ट पड़ा हुआ है, कुछ पराली पड़ी हुई है, उसको इकट्ठा किया ताकि यहाँ पर लेके आके प्लांट्स के आसपास इसको रखा जा सके, इसकी मल्चिंग हो। मल्चिंग के अंदर आपका वाटर की रिटेंशन होगी, पानी को आप बचा भी सकते हैं। जब आप इसको ये काम करेंगे तो पानी उसके नीचे रिटेन रहेगा, तो पौधा मरता नहीं है, जल्दी मरेगा नहीं, उसके नीचे माइक्रोइज्म सेफ रहेंगे, कीड़े मकोड़े अपने नीचे आके जगह कुछ रेडी कर लेंगे। हमें ये सब चीज़ें ज़रूरी है कि, क्योंकि पानी की हमारे पास समस्याएँ हैं ही हैं, हमारी लैंड पर इतना उपजाऊपन नहीं है, तो उसको उपजाऊ करने के लिए इन कीड़े मकोड़ों का आना भी ज़रूरी है। जब आप इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं तो कीड़े मकोड़े भी घूमते हैं, तो वो खा के भी कहीं ना कहीं आपके लिए खाद का एक यूज़ आएगा नीचे। और मल्चिंग के अंदर बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स हैं जो कि उस धरती के ऊपर एक टॉप लेयर को जमने में भी मदद करते हैं। तो सर देखिए, 19 साल से काम कर रहे हैं, बहुत कुछ इनसे हम सीखना है, और हम भी आएंगे कम से कम महीने में 2-3 विजिट यहाँ किया जाए। और देखिए, यहाँ तितली भी मिलेगी आपको, मधुमक्खी भी देखने को मिलेगी, और चिड़ियाँ भी उधर आप जाओगे तो देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अब एक बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट बन गया। हाँ, जब भी आप यहाँ पर आए तो ये हमारे इस एरिया को डेवलप करने में लगी हुई है। प्लीज आप इनसे आके कॉन्टेक्ट कीजिए, ये बायोडाइवर्सिटी के एक्सपर्ट है, तो इस पर काफी कुछ चीजें आपको और भी मदद करेंगे, आपको बताएंगे कैसे बर्ड्स आती हैं, कैसे बीज आती हैं, कैसे बटरफ्लाईज आती हैं। अभी US गवर्नमेंट ने इनको कॉल किया था, ये अभी US होके भी आए हैं इसी चीज के ऊपर, कि कैसे काम को आगे एक्सपेक्ट करें। आप यहाँ पर शेयर कर, आइए आप लोग, और जितने ज़्यादा हम लोग का दिखाने का वीडियो का यही है कि आप लोग भी देखकर, नोएडा में आप सोचते हैं कि हम लोग प्रकृति के लिए क्या करें, तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे आ जाइए और हर हफ्ते शाहिद जी से मिलिए और स्पेंड कीजिए पेड़ों के साथ, और पेड़ों। अब ये देखिए, हमारी मैम आई हैं गाजियाबाद से, क्या नाम है मैम आपका?
मैं सरिता बिहार से आई हूँ। अच्छा अच्छा, सरिता बिहार से आई हैं और देखिए यहाँ पे प्लांटेशन करना चाह रही हैं। अभी बात हुई हमसे कि हम लोग हर संडे सैटरडे किसी के बर्थडे पे, शादी के सालगिरह पे हम लोग ये पेड़ लगा कर ही जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि पेड़ हमारे बरगद पीपल हैं जो 500 साल से ऊपर होते हैं। तो हम रहे ना रहें, हमारी याद में हमारे वो पेड़ रहेंगे और ऑक्सीजन देते रहेंगे। तो हम है कि हम हर जगह हरा नहीं, हम जाके नहीं हरा कर सकते। तो हम दिल्ली में जो जो जहाँ पे हैं लोग छोटा छोटा ग्रुप बना के बर्थडे मनाते हैं आप अपने पड़ोसियों से, तो 10 और पेड़ 15 पेड़ लगा सकते हैं। तो हम इनके भी दिमाग में भी सोचती हूँ कि नेचर में क्या किया जाए। तो आपके दिमाग में क्या आता है कि कैसे पोल्यूशन को दूर किया जाए और कैसे दिल्ली और NCR को जल्दी से जल्दी हरा भरा किया जाए? देखिए, मैं पेशे से वैसे साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक बात मैं सब लोगों से कहना चाहूँगी कि ये जो हमें मानसिक शारीरिक बीमारियाँ हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि हम अपनी धरती से कटते जा रहे हैं और इसका कारण हम हॉस्पिटल्स में जाके मेडिसिन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर एक घंटा आके भी, साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर आप एक घंटा आके यहाँ पे पेड़ों के साथ, पौधों के साथ कनेक्ट करते हो, आपकी जो 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 शरीर में जो भी बीमारियाँ हैं वो ठीक हो जाती हैं। ये साइंस ने प्रूव किया है, इसको अर्थिंग कहते हैं। तो आप ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपनी हेल्थ, अपनी फ्यूचर लाइव्स के लिए कर रहे हैं। ये एक एनवायरमेंटल मूवमेंट नहीं है, ये एक सर्वाइवल के लिए है। क्योंकि कितना हम लोग पैसा खा लेंगे, अल्टीमेटली तो हमें सांस लेनी है ना। तो आप लोगों को मैं निवेदन करूंगी कि प्लीज़ आप इस मूवमेंट को ज्वाइन करिए, एक घंटा संडे को निकाल के यहाँ पे आइए और पेड़ों पौधों के साथ एक रिश्ता बनाइए। इन्होंने बहुत अच्छा बताया, आजकल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बच्चों पे नंबर लाने का, लोगों को पैसे कमाने का। तो आप एक पेड़ लगा के हमारे साथ रविवार को देखिए, अपना बर्थडे या कुछ भी मनाइए, ना आपको लगे कि अच्छा लगे और आप हमारे साथ दौड़ेंगे। हमारे साथ जो एक बार पेड़ लगा लेता फ़ोन करता है कि सर आप पेड़ कहाँ लगवा रहे हो हर सप्ताह, हम उनको बताते हैं यहाँ आइए, और उन लोगों को बहुत मज़ा आता है, वो इन्जॉय करते हैं और बहुत अच्छा उनको भी एक सुकून मिलता है कि हम मरेंगे तो कुछ अच्छा काम पृथ्वी के लिए या इस ज़िंदगी के लिए कर जाएंगे, और जो भी है पुण्य का काम है। और बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब मिली हैं, बताई हैं कि कैसे आप अपना डिप्रेशन दूर कर सकते हो नेचर से। अच्छा नहीं, गांव के लोगों को देखिए बहुत खुश रहते हैं, आप जाओगे टाइम देंगे, आपके साथ हंसेंगे, बातें करेंगे। लेकिन शहर के लोग पैसे होते हुए उनको BP है, शुगर है और कई तरह की, और जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ हो रहा है, क्योंकि अब आजकल हमारा मिट्टी पोल्यूटेड हो गया क्योंकि इसमें यूरिया डाला जा रहा है और जो भी केमिकल से एक आंकड़ा आपको देना चाहूँगी, हमारी जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है 1990 से 700% अब बढ़ गया है एक एवरेज इंडियन का। और ये जो बीमारियाँ अभी हमें हो रही हैं, भूलने की बीमारी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सिंपली इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है डोपामाइन, जो कम होता जा रहा है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हम घरों में रहते हैं, बाहर विटामिन डी नहीं लेते, इससे हमें बीमारियां चढ़ती जा रही हैं। और ये बीमारियां ऐसी हैं, देखिए शारीरिक बीमारी आपको एकदम दिख जाती है, पेट का दर्द है, ट्यूमर है, कुछ आ जाता है, मानसिक बीमारी नहीं दिखती, तो ये धीरे धीरे आपको खाती है। इसीलिए ये एक ऑप्शन नहीं है अब, ये आपको एक नेचर ने फ्री मेडिसिन हॉस्पिटल दिया है जिसकी कोई आपको कॉस्ट पे नहीं करनी। सो आई वुड जस्ट से प्लीज ज्वाइन अस एंड मेक, आप ज्वाइन कीजिए मिशन 100 करोड़ और अपना जन्मदिन और अपने प्रिय का जन्मदिन आप मनाइए और हमसे पेड़ लगाइए। हम लोग पीपल बरगद सस्ते में, आप लोगों को नहीं 500-1000 का पेड़ हम देंगे, हम लोग बहुत सस्ते में 20 में, 30 में, 40 में, 50 में बड़े बड़े पीपल और बरगद लगाएंगे, क्योंकि हम लोग का यही मिशन है कि पूरी दिल्ली कैसे हरी हो जाए। तो धन्यवाद, जय हिंद, आप लोग आइए, फिर मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट टाइम प्लांटेशन में।